अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। हमारी पहली रेसिपी मैंगो डिलाइट थी जो आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी और आप लोगों ने उसको बना कर भी देखा होगा। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं जिसका नाम है रंगीली पूरियाँ। रंगीली पूरियों में हम कोई फूड कलर वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, हम सब्जियों के साथ और सब्जियों को ही मिलाएंगे उस, तो इससे हमारे रंगीन पूरियाँ बनेंगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 चुकंदर जिसको हम पेस्ट बना लेंगे, इसी तरह पालक 1 पाव पालक जिसको हम उबाल कर उसका भी पेस्ट बना लेंगे, 2 आलू लेंगे और उसको भी उबाल कर हम उसको मैश कर लेंगे खूब बारीक, थोड़ा सा नमक चाहिए होगा हमें 1/4 हसबी ज़रूरत और थोड़ा सा जर्दे का रंग चाहिए होगा जो हम करेंगे। इसी तरह हमने 1-1 कप मैदा लेके उसको 4 हिस्सों में रख लिया है जो जिसके हम पूरियाँ बनाएंगे। चले आए हम शुरू करते हैं, चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्याला लेंगे, उसको 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और उसके अंदर चुकंदर का पेस्ट डालेंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे ताकि आटा बहुत पतला ना हो जाए और अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर थोड़ा पानी भी मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वैसे तो चुकंदर आपको पता है बच्चे वगैरह सब इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन जब ये हम इस तरह पूरियाँ बना के बच्चों को खिलाएंगे तो सब लोग बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे और सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। अब हम ये दूसरा आटा बना रहे हैं, इसके अंदर भी 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा जर्दे का रंग मिक्स कर देंगे। अब ये जर्दे का रंग खुश्क है तो इसके लिए हम इसमें आटा पानी मिला देंगे आटे में और इससे हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। और ये आटा, सारे आटे जो हम बनाएंगे ये थोड़े सख्त होंगे, ये नरम नहीं होंगे, ताकि पूरी हमारी अच्छी खस्ता और अच्छी बने। अभी हम तीसरा आटा गूंद रहे हैं, इसमें भी 1/4 चम्मच नमक मिलाएंगे और फिर ये पालक का पेस्ट जो है ये हम इसके अंदर मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। सब आटों में अगर हमारे पेस्ट कम पड़ जाए तो हम इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं और ये खूब, लेकिन हमें ज़रा थोड़ा सख्त ही आटा गूंदना है, बहुत नरम आटा नहीं गूंदना है। इस तरह मिलाने के बाद हाथ से हम इसमें खूब मुक्कियाँ दे देंगे तो ये अच्छा सा आटा बन जाएगा। अब हम तीसरा आटा गूंद रहे हैं, इसमें भी 1/4 चम्मच नमक मिलाएंगे और जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो इसमें मिला देंगे। अब ये भी खुश्क है तो इसके अंदर हमको पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। ये देखिए हमने पालक वाला आटा हमारा तैयार हो गया है, गूंद गया है। अब इसको हम एक तरफ रख देंगे। ये हमारा चुकंदर वाला आटा तैयार हो गया है, इसको हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसको हम इसको भी सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। ये हमारा आलू वाला आटा है जो गूंद के तैयार हो गया है, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, ये हमारा जर्दे के रंग वाला आटा है, ये भी हमारा गूंद के तैयार हो गया है। अब इसको हम इसको भी साइड में रख देंगे। अब जब हम इनके सब्जियों के आटे गूंद रहे होंगे तो अगर हमें पेस्ट ज़्यादा लगेगा और लगेगा कि आटा ज़्यादा नरम हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा पेस्ट बचा लेंगे। हमें सख्त, थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। इतनी देर में ये हमारा आटे सेट हो रहे हैं, हम इनको रख देंगे और इतनी देर में हम इसके साथ खाने के लिए तरकारी बनाएंगे। ये देखें हमने ये सारे ये बना लिए हैं पेड़े, इसके पूरियों के ये सारे हमारे रंग बिरंगे पेड़े तैयार हैं। अब हम इसको बेलेंगे और तलेंगे, फ्राई करेंगे। ये जो हमने पेड़े बनाए थे अब हम इनको बेल लेते हैं थोड़ा आटा लगा के ताकि हमारे सही शेप में बन जाए। ये हमारी चुकंदर की पूरियाँ
अभी जो पालक वाला आटा है ये उसकी पूरियाँ। अब ये आलू वाले आटे की हम पूरी बेल रहे हैं। इसी तरह हम सारी पूरियां बेल के तैयार हैं। अब ये देखें हमने कुछ पूरियां बेली हैं, ये आलू की हैं, ये पालक की हैं, ये जर्दे के रंग वाली हैं और ये चुकंदर वाली हैं। इसी तरह हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। चलें अब इनको फ्राई करते हैं। अब कढ़ाई के चूल्हे पर कढ़ाई रख के उसके अंदर हम तेल डालेंगे और इतना तेल डालेंगे कि अच्छी तरह उसमें पूरियाँ तल जाएँ डीप फ्राई करने के लिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें पूरियाँ तलेंगे। तेल पहले तो हम तेज़ गर्म कर लेंगे, फिर पूरियाँ डालते हो तो उसकी आग थोड़ी कम कर देंगे ताकि पूरियाँ हल्की आग में खूब अच्छी खस्ता बन जाए, जो बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार होंगी। देखें अब तेल ही गर्म हो गया, इसको देखने के लिए हम एक थोड़ा सा टुकड़ा डालेंगे इसके अंदर। जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है ये पूरियाँ डालने के काबिल हो गया। डाल रहे हैं हमारी चुकंदर वाली पूरियाँ लाल रंग की तल के तैयार हो गई हैं। अभी हम जर्दे के रंग वाली पूरियाँ डाल रहे हैं। अभी हमारे जर्दे के रंग वाली पूरियाँ भी तैयार हो गई हैं। अब इनको निकाल देंगे ट्रे में। अब हम ये आलू की पूरियाँ डाल रहे हैं, आलू वाले आटे की। हमारी जर्दे के रंग वाली तल के तैयार हो गई हैं और चुकंदर वाली तल के तैयार हो गई हैं। अभी हम आलू वाली तल रहे हैं और ये आप लोग बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा भी, बच्चे भी शौक से खाएंगे और इसी तरह बच्चों के जिसे में पालक और चुकंदर के फ़ायदे पहुंच जाएंगे और सब घर वाले भी शौक से खाते हैं। ये आलू की पूरियाँ भी हमारी ब्राउन होने शुरू हो गई हैं तो आप इनको निकाल लेंगे। Thank you.
देखें ये सिक्के तैयार हो गई हैं, तो अब इनको भी हम निकाल के और अपने प्लेट में रख लेंगे। ये देखें हमारे चारों रंग की पूरियां तैयार हो गई हैं बनके। ये हमारी रंगीन मज़ेदार खस्ता रंगीन पूरियां तैयार हैं। आप ये रंगीन पूरियां ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये हमारी पूरियां तैयार हैं और इसके साथ जो हमने तरकारी बनाई है वो ये तैयार है। अगर इसके आपको रेसिपी चाहिए तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें इसकी पूरी तरकीब आपको मिल जाएगी। इसको फिर आप ये पूरियाँ, तरकारी, सलाद, रायते और चटनियाँ जो आपके पास मौजूद हों उनके साथ खाइएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप कोई ख़ास चीज़ बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरा यूट्यूब चैनल अम्मीज़ किचन ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी नई सीक्रेट वीडियोस आप तक पहुँच जाएँ।